सितारे रहेंगे, हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियां या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा का तूफान आला, कोणी घर देता का घर। एक तूफान भिंती वाचून, छपरा वाचून, माणसाच्या माय वाचून। अरे मैं तंग आ चुकी है लाएंगे सुन सुन के। गए साल भर में किसी ने इनको नाटक में काम करने के लिए बुलाया नहीं, लेकिन ये लगे रहे कोणी घर देता का घर। कोई देखेगा तो क्या बोलेगा, पागल है पागल। यही पागल बन तो मुझे इतनी ऊंचाई पर ले आया। तोंड बघा ऊंचाई वर जाणार आहेच। तुम्हारे नाद में ना मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। ये तुम्हारा दारू का नशा, ऊपर ये नाटक की लाइने। पता नहीं मेरे माँ बाप ने इनमें क्या देखा और मेरी शादी करवा दी इनसे। मेरे अंदर का कलाकार। अरे 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 कलाकार बेटा उधर जेल में चढ़ रहा है, उसको छुड़वाने की कोशिश करने के बजाय ये लगे रहे नाटक की लाइनें याद करने में। पता नहीं क्या होगा इनका। हाँ समझाऊ कैसे इस आदमी को। माना कैसे छूटा, किसने दी जमानत? बोल नहीं, चमत्कार कैसे हो गया? बोल नहीं बेटा। सविता उसे बैठते तो दे। श्रावणी बेटा पानी ला। बैठ। अब बता ये सब कैसे हुआ? मानो पानी। अब तो आपको पता चल गया ना कि कौन अपना है और कौन पराया। जिन लोगों के लिए आप दिन रात सोचा करते थे, जिनके लिए आपने अपनी हर खुशी दे दी, उन्हीं लोगों ने आपके साथ कितना बुरा बर्ताव किया है। ये सही बोल रही है, ये अर्चना और उसके घर वालों की पूरी साजिश है। अगर उनका दिल चाहता था ना तो तुझे फांसी पर भी चढ़ा देते थे। लेकिन बेटा दुनिया में अच्छाई की कदर करने वाले लोग भी होते हैं। कभी अच्छा नहीं होगा उनका, सत्यानाश होगा, एक आई के हाय लगेगी। नहीं आई फिर बेटे की अच्छाई की कदर करने वाले और कोई नहीं बल्कि अर्चना। आज तेरा बेटा बाहर इसलिए क्योंकि अर्चना ने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। तू उसकी तरफदारी मत कर, ये भी उसकी साजिश है। वो अर्चना और उसके बहनोई ये सब ने मिलके ये साजिश रचाई होगी। अरे तुझे जब जेल में डाला था तभी वर्कर लोगों ने हंगामा किया था, उनको शांत करने के लिए ये साजिश की होगी। इसमें भी कुछ होगा। पता नहीं वहां पुलिस स्टेशन में अर्चना पे क्या बीतरी होती है। तू वही है ना जो उस दिन मानव को धमका रहा था? अपन इधर से छूटा ना तो तू गलती से भी दिखना मत, वरना तेरे ना थोबड़े का डिजाइन बदल दूंगा मैं। ये सारे आज तू बहुत भौंक रहा है। उस दिन क्या हुआ था? जिस दिन बाहर आएगा उस दिन देख लेंगे। और चैवन तू क्यों क्रिमिनल्स के मुंह लग रहा है? ए तुम लोग कौन सा दूध के दिल हो? अपन क्रिमिनल है ना तो जो करता है खुलेआम करता है, तेरी तरह किसी की पीठ पे वार नहीं करता। ए जो बैठता कि मैं आऊं उधर। धर्मेश कैसे हैं आप? हाँ ठीक हूँ, बस बेइज्जती की हद हो गई। इंस्पेक्टर साहब ये इनके जमानत के पेपर। ठीक है आप लोग जा सकते हो।
बच्चू चल। अर्चना तुम्हें गिल्ट फील करने की जरूरत नहीं है, तुमने जो भी किया वो बिल्कुल सही किया। ताई हो गई ना तुझे तसल्ली, खुश होगी ना तू तो बहुत। मैं तो कहती हूँ तू खुशी रहना, खुश रहना तू, क्यों ना तेरी वजह से हम सब दुखी हो पर तू खुश रहना। चल घर चल। बाबा बढ़ गई कलेजे में ठंडक। आखिर तूने अपने दोनों बहनों को और होने वाले पति को जेल में डाल ही दिया ना। मैं किसी को जेल नहीं भेजना चाहती थी, मैं सिर्फ मानव को जेल से छुड़ाना चाहती थी और कुछ नहीं, और इसीलिए ये सब कुछ हो गया। मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। लेकिन इसका अंजाम क्या होगा सोचा है? तेरा अपनों के साथ रिश्ता, तेरी शादी, इसका भविष्य क्या होगा? ये सब कुछ मैं नहीं जानती। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मैंने जो कुछ भी किया बहुत सोच समझ कर किया। अगर गुनहगार कोई घर का इंसान है इसका मतलब ये नहीं कि वो गुनहगार नहीं कहलाएगा, उसे भी उसकी सजा मिलनी चाहिए। और इसीलिए मैंने मैनेजमेंट के खिलाफ कंप्लेंट की और मानव को जेल से छुड़ाने का फर्ज पूरा किया। पर अब धर्मेश, सतीश, वर्षु से, वैशाली से, इन सब से माफी मांगकर अपनी बहन होने का फर्ज पूरा करूंगी। आई अब माफी मांगने से क्या होगा, तुझे जो करना था वो तूने कर दिया। अर्जुन जा बेटे, तू अंदर अपने कमरे में जा, जा। आप घर जाइए, आपको मेरी कसम। नहीं, यहाँ इस तरह सोचते रहने से कुछ नहीं होगा। इससे तो अच्छा यह है कि मैं पुलिस स्टेशन खुद से जाऊँ, कम से कम वहाँ जाने के बाद हालात का तो पता चलेगा और फिर अर्चना की रिहाई के लिए शायद मैं कुछ कर पाऊँ। मानव कहाँ जा रहा है? पुलिस स्टेशन? अर्चना का हाल देखने? तेरे मन में कब से ये विचार चल रहा है ना? तेरा बाप हूँ बेटा, जन्म दिया है मैंने तुझे, किस वक्त तू क्या सोचता है मैं बराबर जानता हूँ। चल मैं साथ चल तुम्हारे। चल शिंदे, चाय में पिला जरा। अरे चुप ना, चाय पिएगा। साहब अर्चना जो यहाँ आई थी वो कहाँ है? वो जो फैक्ट्री के मामले में आए थे जी। अरे वो तो जब आए तभी छूट के चले गए, दरअसल उन्होंने पहले से ही जमानत के पेपर तैयार करवा के रखे थे।
और उन तीनों में से किसी एक की बीवी वकील को लेकर आई और एक दो साइन वाइन किया और तीनों पंछी पिंजरे के बाहर। अब हो गई तेरे मन को शांति? अब चले बाबा। बचपन से सुनता आया था कि जिंदगी में अच्छाई का बदला अच्छाई से ही मिलता है। विश्वास उठ गया है इन सब बातों से। लगता है कि यह सब सिर्फ कहने सुनने की बातें। नहीं मानो, ये कहने सुनने की बात नहीं है, ये जीवन का वो सच है जिस पे दुनिया आज तक टिकी है। मानो, गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि किसी भी इंसान को फल की अपेक्षा किए बिना अपने कर्म करते रहना चाहिए। चाहे कुछ भी हो, अंत में आखिर जीत सच्चाई की ही होती है। देख बेटा, हम भले ही पैसे वाले ना बन जाए, लेकिन हमें सुख, समाधान और खुशी जरूर मिलेगी। मैं जानती हूँ मैंने तेरा दिल बहुत दुखा, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। मैं सिर्फ मानव को जेल से छुड़ाना चाहती थी और कुछ नहीं। आई मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। लेकिन मैं तुझसे वादा करती हूँ, अब मैं जो कुछ भी करूंगी ना, तुम सबकी मर्जी से करूंगी, तुम सबकी खुशी के लिए करूंगी। मैं तुझसे वादा करती हूँ। तूने मुझे उस दिन कहा था कि अब मेरी अर्चू सिर्फ और सिर्फ मानव की बनकर रह गई, लेकिन आज तेरी अर्चू तेरे पास वापस आ गई। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। बेटा किसको फोन कर रहा है? आई वो तरुण को फोन कर रहा हूँ। अब नौकरी ढूंढनी पड़ेगी ना। हाँ हाँ कर तो कर मदद कर सकता। हाँ वो कुछ मदद करेगा तुझे, कर। मुझे यहाँ पर देख करके आप सबका चौंकना जायज है, लेकिन मैं यहाँ पर एक खास मकसद से आया हूँ। मानो मैं चाहता हूँ कि तुम फैक्ट्री वापस से ज्वाइन कर लो। प्लीज मानो,
मना मत करना। ऐसा करके मैं तुम पे कोई एहसान नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर रहा हूं। अगर मैं तुम्हें वापस काम पे नहीं रखता हूं तो वो हमारी सबसे बड़ी गलती होगी, और फिर हो सकता है कि तुम्हें वापस काम पे न रखने पर बाकी वर्कर्स भी काम पर ना आए। डीएस कंपनी का पार्टनर होने के नाते मैं तुम्हें वापस काम पे आने का ऑफर दे रहा हूं, वो भी इंक्रीमेंट के साथ में। मेरी समझ में नहीं आया, तुम लोगों को अचानक ये प्यार कैसे चढ़ गया मेरे बच्चे के लिए? कल तक तो तुम लोग उसके जान के दुश्मन थे ना? आई मैं नहीं जानता हूं कि ऐसा मैं क्या करूं कि आपको मेरी बात पर विश्वास हो, लेकिन हाँ ये जरूर कहूंगा कि अगर मानो हमारी कंपनी में वापस से आता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। सच कहता हूं मानो, मुझे बहुत खुशी होगी। मैंने दबाव में आकर पेपर्स में साइन किए थे, मेरा मन मुझे मना कर रहा था, लेकिन न जाने कैसे मेरा दिमाग उस पर हावी हो गया। मुझे एहसास तब हुआ जब मैंने अर्चना को देखा, बाबा को अटैक आने के बावजूद उसने सच्चाई का साथ दिया। मैं अपने आप को बहुत छोटा महसूस करने लगा उसके सामने। फिर मुझे एहसास हुआ कि नहीं, मुझे तुम्हारा एक बार साथ देना चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ न्याय करना चाहिए, इसलिए मैं यहां पर आया हूं। बाकी अंतिम निर्णय, अंतिम फैसला जो भी होगा तुम्हारा होगा। मानव, कोई जरूरत नहीं है फिर से उसी फैक्ट्री में जाकर नौकरी करने की। आज तुम्हारे साथ मीठे बोल बोलेंगे, कल तेरे पीठ में छुरा खोप देंगे। कोई जरूरत नहीं है वहां जाके नौकरी करने की। नहीं, नहीं, नहीं। मैं ये नौकरी करूंगा, ये मेरी नैतिक जीत हो गया है। जो भी इज्जत मैंने गवाई है वो इज्जत मुझे वापस मिल जाएगी। मैं ये नौकरी करूंगा। हाँ बेटा, मैं तेरे साथ हूं, तू नौकरी जरूर करना वहां पे। बाबा को हार्ट अटैक आया, मुझे उनसे मिलने जाना होगा। ये ले विनोद। जी आई। ऑफिस से आते वक्त दवाइयां लेकर आना। ठीक है आई। अच्छा बेटे, बाहर पेपर आया होगा, जरा लेके आना। आई आई, देखो ना हमारे घर कौन आया है। मानव। अरे आओ बेटा, अंदर तो आओ। वो सतीश आया था घर पर, उसने बाबा की तबीयत के बारे में बताया, इसलिए मैं मिलने चला आया। आओ अंदर आओ ना बेटा। नहीं बाबा, मैं यही ठीक हूँ। नहीं बेटे, दरवाजे पे खड़े होके थोड़ी ना बात करोगे तुम। कैसी तबीयत है बाबा? अब बहुत हद तक ठीक है। आई मैं चलता हूं, शाम को आते वक्त बाबा की दवाई ले आऊंगा। अरे टिफिन। मुझे पता है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद मेरा यहां आना आप लोगों को बहुत अजीब लग रहा होगा, और यकीन मानिए मैं भी यहां आकर आप लोगों को दिक्कत नहीं देना चाहता था, बस बाबा की
हार्ट अटैक की खबर सुनी तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। अरे वाह मानव, बड़ा ही कमाल है। तुम शायद भूल गए हो कि पापा की इस हालत के जिम्मेदार तुम भी हो। दर्द देकर दवा देने का तुम्हारा ये तरीका बहुत ही अच्छा है। मंजू चुप करो, ये वक्त इन सब बातों का नहीं है। अरे भाई मानव के लिए चाय तो बनाओ सुलोचना। नहीं आई, रहने दीजिए, मैं बस बाबा से मिलने आया था। मैं अब निकलूंगा। बाबा अपना ख्याल रखिएगा, मैं चलता हूं। क्या हो गया तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या हुआ, क्या किया मैंने? तुमने मानव को फिर से काम पर बुला लिया, वो भी सैलरी इंक्रीमेंट के साथ। सतीश तुम अच्छी तरह से जानते हो उसकी वजह से हमें कितना कुछ बर्दाश्त करना पड़ा, फिर भी तुम मानव की वजह से हमें बर्दाश्त करना पड़ा है या फिर हमारी वजह से मानव को? एक बार ये सवाल अपने आप से पूछ कर देखो धर्मेश, और ईमानदारी से उसका जवाब दो, उसके बाद आकर मुझसे बात करना। सतीश मैं तुमसे जानता हूँ धर्मेश की जो भी मैंने किया है वो बिल्कुल सही किया है, बहुत सोच समझ कर किया है, और वो सही भी है। बाकी कंपनी का पार्टनर होने के नाते इतना तो मैं कर सकता हूँ ना। सतीश तुम अपने अधिकारों का गलत फायदा उठा रहे हो। बिल्कुल नहीं, बल्कि जब से हमने पार्टनरशिप की है तब से लेकर के आज तक मैंने पहली बार अपने अधिकारों का इस्तेमाल किया। रमेश एक बार बताओ, हम किस वजह से मानव को काम से बाहर निकाले, क्या किया उसने? जेल से वो बाइज्जत बरी हुआ, इसका मतलब ये है कि कंपनी में जो भी हादसा हुआ उसका वो जिम्मेदार नहीं है, वो एक काबिल वर्कर। फिर हम उसे क्यों काम से बाहर निकालें? और फिर बिना वजह काम से बाहर निकालने का मतलब समझते हो तुम? कंपनी के बाकी वर्कर्स भी काम करना बंद कर देंगे। मैं सब जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि ये सब तुम कंपनी के भले के लिए नहीं मानव के भले के लिए कर रहे हो। तुम हमेशा से मानव के फेवर में रहे, तुमने हमेशा से उसकी और अर्चना की तरफदारी की, उन दोनों के रिश्ते को लेकर तुम हमेशा से इमोशनल रहे, और शायद यही वजह है। बिल्कुल यही वजह है उसे वापस से काम पर रखने की, क्योंकि तो मैं जानता हूं कि मैं सही हूं। रमेश मानो और अर्चना गलत नहीं हो, ना ही कभी हो सकते। हमने गलती की, हमने गुनाह किया, और मैं सिर्फ अपनी तरफ से अपने गुनाह का प्रायश्चित कर रहा हूं। तो मैं चाहूंगा कि तुम भी उसे मेरा साथ दो, ताकि तुम्हारे अंदर का भी गिल्ट कुछ कम हो। आतिया, अरे अर्चना तुम अकेली आई हो? नहीं मुझे लगा आज भी तुम पुलिस साथ में लेकर आओगी। मेरे बेटे को जेल भेजकर शायद तुम्हारा मन नहीं भरा हो तो हम लोगों को भी सारे। प्रभाते, अर्चना से बहुत बड़ी गलती हो गई, और मैं ये भी जानती हूँ कि इस गलती की कोई माफी नहीं है, फिर भी इस विश्वास के साथ आज यहाँ आई हूँ कि आप उसे जरूर माफ करेंगे। देखिए मैं यहाँ कोई रिश्ते की बात करने नहीं आई,
क्योंकि जानती हूँ इतना सब कुछ होने के बाद ये रिश्ता नहीं जुड़ सकता, लेकिन अगर आप इसे माफ करेंगी तो हमारे परिवारों के बीच जो कड़वाहट है वो नहीं रहेगी। ताई अच्छा हुआ जो आपने अपनी तरफ से ही इस रिश्ते को रोक दिया। इनकार करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी से आपने मुझे मुक्त कर दिया। ताई मैं जानती हूँ आपकी लड़की ने बहुत सारी गलतियां की हैं, लेकिन मैं आज भी आपकी इज्जत करती हूँ और सिर्फ आपकी वजह से मैं इसे माफ कर रही हूँ। ये हमारे घर की बहू भले ही ना बने, बनी गई इसी घर की बहू। या हो दूरियां बस प्यार ही।